हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेनियम ट्यूटोरियल। हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम आई फ्रेम्स को हैंडल करते हैं। आई फ्रेम्स एचटीएमएल में होते हैं, वो डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। मैंने एक एचटीएमएल बना रखी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे आई फ्रेम को हैंडल करेंगे। तो इस एचटीएमएल में हमने बेसिकली डिफरेंट आई फ्रेम्स बना रखे हैं, डिफरेंट फ्रेम्स बना रखे हैं। तो हमारी एक एचटीएमएल फाइल है, इसमें बटन्स है, ऊपर नीचे एक ये फ्रेम है और नीचे ये एक फ्रेम है जो डिफरेंट वेबसाइट को दिखा रहा है। तो अब मान लो कि हमने इस पोर्शन में कुछ काम करना है। लेट्स से हमें ये टेक्स्ट लेना है या ये टेक्स्ट लेना है, तो हम सिंपली क्लिक करके नहीं ले पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक टेस्ट क्लास बनाएंगे, लेट्स से टेस्टिंग आई फ्रेम्स। इसमें हमने एक मेन मेथड बनाया, जैसे हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, हमने किया क्रोम ड्राइवर के साथ। सॉरी। तो हमने गेट मेथड को कॉल किया। उसके बाद हम ये जो पाथ है फाइल का, यहाँ जाएंगे। इसको खोलेंगे। तो हमने इसको इस पे नेविगेट किया, क्रोम ड्राइवर को इंपोर्ट किया और हम यहाँ से उठा लेते हैं सेट प्रॉपर्टी, जो हमने वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर और उसके पाथ के साथ। उसके बाद जब इसने गेट किया, अब हम मान लो इस पे जाते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं रेड से। होम को मान लो इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं यहाँ हम इसका एक्सपाथ बनाएंगे। अभी के लिए मैं यहीं पर ही बना दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो फायर पाथ और फायर बग को यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। इसको आप यहाँ यूज करेंगे। ये इसको कॉपी किया, यहाँ गए। अब यहां पर हम देखेंगे सिमिलरली, जैसे हम वहां कर रहे थे, हम यहां पर एक बार बना के देख लेते हैं। ये मेरा टेक्स्ट है, और ये मेरी वैल्यू है। तो यहां पर ये नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको कहूंगा आई फ्रेम में जाओ, तो यहां से ये प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर इस क्लास में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और इसको कहता हूं कि एक्स पाथ से ला जाके डॉट गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग मेरी है टेक्स्ट,
प्रिंट करवाएंगे इसे, तो ये नहीं लेके आएगा, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अभी भी ये आई फ्रेम में नहीं जाएगा, ये मेन विंडो में सर्च करेगा। तो जो ये है आई फ्रेम में ना जाके मेन विंडो में सर्च करेगा, इसने खोला ब्राउजर को, पेज लोड कर रहा है। और इसने एरर दे दिया यहाँ पे। लेकिन अगर हम सेम काम, ये कह रहा है कि एलिमेंट नॉट फाउंड, अब मैं यहां पर यूज करूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू और फ्रेम। फ्रेम में आप आईडी देंगे, मेरी आईडी क्या है फ्रेम की, यहां पर आप जाएंगे तो आप इस फ्रेम में देख रहे हैं, या आई फ्रेम, IF1 और IF2। IF2 में ये हो रहा है, तो मेरी आईडी यहां पर है IF2। अब इसे रन करेंगे तो ये मेन लाइन है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और उसमें आईडी पास हो गई। अभी इसने खोला नहीं है क्योंकि यहां पर गेट से पहले मैंने स्विच टू लिखा है, तो ये याद रखिएगा कि यहां पर गेट से बाद में आएगा हमेशा स्विच टू। पुराने ब्राउजर्स बंद करेंगे, यहां पर ये खुल गया। तो अब जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो यहां पर टेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर इसको कहा है कि स्विच करना है फ्रेम पे, और उसके बाद उसके टेक्स्ट को प्रिंट करवाया, तो ये हमारा कंसोल में और ये हमारा ब्राउजर। ये ब्राउजर जैसे ही लोड होगा वैसे यहां पर ये टेक्स्ट प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये हमने कहा है इसे इस फ्रेम में स्विच होने को। पहले जब हमने बिना फ्रेम स्विच करे कहा था तो कभी भी वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, तो हमने इसे कहा और यहां पर इसका टेक्स्ट प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही हम डिफरेंट विंडोज को या फिर अलर्ट्स को भी हैंडल करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। अभी के लिए अगर आप आई फ्रेम्स में यूज कर रहे हैं तो सिंपली ड्राइवर डॉट स्विच टू और उसके बाद उसको फ्रेम यूज कर सकते हैं, जो भी फ्रेम आपको चाहिए। थैंक यू।